सीएए एक्ट को लेकर जारी विरोध के बीच अंबाला में समाज सेवी लोगों ने मिलकर बीड़ा उठाया है कि वे अंबाला में इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, ताकि इस कानून के बारे में बताया जा सके कि यह विस्थापितों को स्थापित करने के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लोगों को जागरूक करने के लिए 31 दिसंबर को मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सभी को खुला निमंत्रण दिया गया है कि सभी लोग इसमें आकर हिस्सा लें। 2019 को सायंकाल 4:15 से 6:15 के बीच धूलकोट रेलवे स्टेशन के बाहर एक भव्य तरीके से हनुमान चालीसे का उद्घोष होगा। जब नेता लोग अगर समर्थन करें तो उससे एक अच्छा संदेश और जाता है सभी का। अब पहले बोला कि वार्ड नंबर 2 का कहें या अंबाला का कहें, सभी का मिलजुल कर समर्थन का प्रोग्राम है। जहां जहां पे भी जाएगा, जो भी लोग आना चाहेंगे वो अच्छी बात है। वैसे ज्यादातर अधिकतर संख्या तो अंबाला के लोगों की होगी। अंबाला में और भी जगह अवेयरनेस कंफ्यूजन कहां दिखाई दे, पॉलिटिकल पार्टीज इससे कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं या बीजेपी समझा नहीं पा रही अच्छे से इसको लेकर? बीजेपी ने तो पूरा समझाया, लेकिन विपक्षियों ने देखा कि पिछले कुछ सालों से रोष करना है तो एक शांति प्रिय रोष भी हो सकता है, और अगर आपने दूसरा रोष करना है तो मेरे पुतले जला दिए जाए, तो रोष का एक तरीका है जी। और हमें लेकिन नुकसान कभी नहीं करते, वो अपने मालिक का नुकसान नहीं करते और तो छोड़ो किसी का, वो रोष इस तरह से करते हैं। तो हमें रोष करना चाहिए तो शांति प्रिय तरीके से करना चाहिए, जैसे अब समर्थन में कर रहे हैं। अभी तो देखो हमारा पहला प्रोग्राम है, बाकी विश्व हिंदू परिषद ने अभी पिछले ही संडे को नीलकंठ मंदिर में भी इस तरह का प्रोग्राम किया था। वो धार्मिक नहीं था, वो लोगों की गैदरिंग एक्ट बना है जिसके विरोध में जगह जगह पे प्रदर्शन हुए, कुछ जगह में उसके समर्थन में भी प्रदर्शन हुए। तो अंबाला में भी ये जाग जगी पूरी टीम के माध्यम से कि हम भी कुछ ना कुछ इसके समर्थन में करें, और ये अपने देश के लिए बहुत अच्छा एक बिल है और एक्ट है। तो एक बड़ा अच्छा दिन मिला हमें, 31 तारीख का मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो हम धर्म के माध्यम से लोगों के बीच में ये अवेयरनेस दें कि ये जो बहुत अच्छा एक्ट बना है, ये हम सब की एक कहते हैं कि जो विस्थापित लोग हैं उनको स्थापित करने का ये कानून बना है। तो इस बात का संदेश एक नए साल जो आने वाला है उसके माध्यम से सब मिलकर दें, और ये विनती सभी अंबाला वासियों से कि ये हमारे इसमें एक बहुत ही अच्छे सिंगर पासी केसरी जी आ रहे हैं, तो सभी से निवेदन कि सभी हर एक प्रोग्राम की जो कामयाबी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग उसमें सुनने आएंगे, कितने लोग उसका समर्थन देंगे, ताकि उतना ही बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश में पूरे देश में जाए कि बहुत लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो वो लोग इस बात का आगे से आगे अधिक से अधिक संदेश जाए, तो मीडिया के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि पूरे अंबाला में ये मैसेज जाए कि 31 तारीख का जो आयोजन है एक बहुत सुंदर आयोजन, हमारे सभी साथी मंगल सैन जी बजाज, अनिल सैनी जी, तरसेम जी, डॉक्टर जायसवाल जी और भी सभी अन्य साथीगण हैं, रोहतास सैनी जी भी हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।